एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। उसके पास दो बैल थे, एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम कल्लू था। कल्लू बैल बहुत बड़ा और ताकतवर था। वह उन दोनों बैलों को खेत ले जाकर उनकी मदद से खेत जोतता था। उसकी खेती बहुत अच्छी चल रही थी और वह मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। उसी गांव में एक कालिया नाम का आदमी रहता था। वह एक नंबर का कपटी और धोखेबाज इंसान था। वह दिन भर गांव में घूमता रहता था और गांव वालों के सामान पर नजर रखता था, ताकि उसे मौका मिले और वह उनका सामान चुरा कर पास के गांव में बेच सके। एक दिन वह रमेश के घर के आगे से निकल रहा था, तभी उसकी नजर कल्लू बैल पर पड़ी। उसने इतना बड़ा बैल पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे वाह वाह, इतना बड़ा बैल है। अगर मैं इसे पास के गांव में बेचूंगा तो कम से कम मुझे इसके 2 लाख रुपए मिलेंगे। फिर वह घर के आंगन में झांक कर देखता है। उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। लगता है सब लोग बैलों को बाहर बांध कर घर के अंदर सो रहे हैं। यही सही मौका है। ये काला वाला बैल बहुत ताकतवर दिखाई देता है, इसी को चुराना सही रहेगा। फिर वह चुपके से जाता है और कल्लू बैल को वहां से लेकर रफू चक्कर हो जाता है। अरे चल मेरे बैल, टिक टिक टिक, चल मेरे बैल, टिक टिक टिक, तू भी कालू मैं भी कालू, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो कल्लू एक संग। आज तो मजा ही आ गया। आज तक तो छोटा मोटा सामान ही हाथ लगता था, लेकिन आज तो लॉटरी ही लग गई। मुझे इसे जल्दी से कहीं छुपाना होगा। अगर किसी की नजर इस पर पड़ गई तो मेरी शामत आ जाएगी। फिर वह उस बैल को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। कालिया की पत्नी उस बैल को देखकर हैरान रह जाती है। अजी, अब ये किसका बैल उठा कर ले आए? हे भगवान, आज तक तो ये छोटी मोटी चोरियां ही करते थे, लेकिन अब की बार तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी। अरे यार, तुम हर वक्त चिक चिक ही करती रहती हो, तुम मुझे कभी बड़ा आदमी नहीं बनने दोगी। अजी आप तो रहने ही दो, बड़ा आदमी बनने के चक्कर में कहीं हवालात की हवा ना खानी पड़ जाए आपको। मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। जाओ अपना काम करो। फिर उसकी पत्नी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। देख भाई कल्लू, मैं सोने जा रहा हूँ, तू भी आराम कर ले। फिर इतना बोलकर वह भी सोने चला जाता है। फिर रात होने पर कल्लू भूख के मारे तड़प रहा होता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हे भगवान, क्या मुसीबत है। अजी आप सुबह होते ही इसे कहीं भी छोड़ कर आओ, लेकिन कल सुबह होते ही ये मेरे घर में मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है भगवान, तुम नाराज क्यों होती हो, मैं सुबह होते ही इसे पास के गांव में बेच आऊंगा। उधर रमेश अपने बैल को घर पर ना पाकर परेशान हो जाता है। हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा कल्लू कहाँ चला गया। अजी क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हो? अरे देखो ना, हमारा कल्लू तो यहाँ है ही नहीं। चलो हमें अभी के अभी उसे ढूंढना होगा। फिर वे दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। कल्लू कहाँ हो तुम? अरे कल्लू कहाँ हो तुम? कल्लू कल्लू, इस तरह चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, चलो हम किसी से पूछते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालिया कल्लू को अपने साथ लेकर घर से निकल जाता है। बैल ले लो, हट्टा कट्टा बैल ले लो। अरे भाई, ये बैल कितने में बेचोगे? भाई 2 लाख लगेंगे। इतना ताकतवर बैल तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। भाई 2 लाख तो बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ, कहो मंजूर है? अरे वाह वाह, मैंने तो 1 लाख रुपए अपने सपने में भी नहीं देखे। ठीक है ठीक है, मुझे मंजूर है, लाओ 1 लाख रुपए लाओ और ये बैल ले लो। ठीक है, मेरा घर पास में ही है, मैं घर जाकर पैसे लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। फिर वह भागकर अपने घर जाता है और पैसे लेकर आ जाता है। लो भाई, पूरे 1 लाख रुपए हैं, आज से ये बैल मेरा हुआ।
फिर वह व्यापारी उसे पैसे देकर उस बैल को लेकर वहां से चला जाता है और कालिया भी खुशी खुशी वापस अपने घर आ जाता है। अरे कहाँ हो, जल्दी आओ, तुम हमेशा मुझे निकम्मा समझती थी ना, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। फिर उसकी पत्नी वहाँ आती है। अजी आ रही हूँ, थोड़ा सब्र तो रखो। लो ये पूरे 1,00,000 रुपए हैं, जाओ जो जो सामान खरीदना है खरीद लो। फिर उसकी पत्नी पोटली खोलकर एक नोट निकालती है और हैरान रह जाती है। अजी इस नोट के ऊपर गांधी जी की फोटो तो है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है, कहीं फिर से कोई नया नोट तो नहीं आ गया बाजार में? कोई नया नोट नहीं आया जी, उसने आपको बेवकूफ बना दिया है। अरे मर गए रे, ये कैसे हो गया, मुझे वही इन नोटों को देखना चाहिए था, इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। वहीं दूसरी तरफ रमेश और उसकी पत्नी को लोगों से पता चलता है कि कालिया ने उसका बैल चुराया है। वह दोनों सीधा कालिया के घर पहुंच जाते हैं। ए कालिया दरवाजा खोल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ए कालिया दरवाजा खोल। अरे क्या हुआ भाई, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? देखो कालिया, मुझे गांव वालों से पता चला है कि तुमने ही मेरा बैल चुराया है, उसे अभी के अभी वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो भाई, भला मैं तुम्हारा बैल क्यों चुराऊंगा? कालिया मैं जानता हूँ तुम 1 नंबर के चोर हो और पहले भी गांव वालों की मुर्गियां चुराते हुए पकड़े जा चुके हो, मुझे जल्दी से मेरा बैल लौटा दो वरना अच्छा नहीं होगा। रमेश भाई मुझे मेरी बीवी की कसम, मैंने तुम्हारा बैल नहीं चुराया है। फिट्टे मुंह नास पीटे मेरी झूठी कसम क्यों खा रहा है? रमेश भैया इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इन्होंने ही आपका बैल चुराया था, इन्हें माफ कर दो। रमेश भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है कोई बात नहीं, मुझे बस मेरा बैल वापस कर दो। बैल तो मेरे पास नहीं है। तो फिर मेरा कालू कहाँ है? भाई मैंने तो उसे एक व्यापारी को बेचा था, वो बदले में मुझे नकली नोट पकड़ा गया, मेरे साथ धोखा करके चला गया। हाय रे, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। हे भगवान, न जाने मेरा कल्लू अब कहाँ होगा। तुम घबराओ नहीं भाई, हम दोनों मिलकर तुम्हारे कल्लू को ढूंढते हैं। फिर वे दोनों कल्लू बैल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कल्लू कल्लू कहाँ हो तुम, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? रमेश भाई क्या कल्लू को हिंदी समझ में आती है? ये कैसा सवाल पूछ रहे हो, कहीं पागल तो नहीं हो गए? तो फिर उसे ऐसे क्यों पुकार रहे हो, वो तुम्हारी बात का जवाब थोड़े ना देगा। फिर वे उस बैल को ढूंढते ढूंढते जानवरों के मेले में पहुंचते हैं, वहाँ खूब सारे जानवर बिकने के लिए खड़े होते हैं। तभी कालिया की नजर कल्लू पर पड़ती है, वह धोखेबाज व्यापारी कल्लू को वहाँ बेच रहा होता है। अरे रमेश भाई वो देखो तुम्हारा कल्लू, ये वही व्यापारी है जिसने मुझे बेवकूफ बनाया था। बैल ले लो, हट्टा कट्टा बैल ले लो, जल्दी आओ जल्दी पाओ, पहले आओ पहले पाओ। चलो इसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। फिर वे दोनों भागकर उस व्यापारी के पास पहुंच जाते हैं। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे बेवकूफ बनाकर इस बैल को यहाँ बेच रहा है। व्यापारी घबरा जाता है। क्यों भाई, 1,00,000 रुपए लेकर इतनी जल्दी भूल गए क्या? अरे चोर, तू मुझे नकली नोट पकड़ा कर चला गया और अब ज्यादा समझदार बन रहा है, अभी दरोगा साहब को बुलाऊं क्या? हाँ बुला लो बुला लो, ये बैल कौन सा तुम्हारा था, तुम भी तो चोरी का माल ही बेच रहे थे, दरोगा साहब मेरे साथ साथ तुम्हें भी जेल में डाल देंगे। मैं अपनी गलती की सजा भुगतने को तैयार हूँ। अरे बाप रे, अब क्या करूँ, ये तो जेल जाने को भी तैयार है, भलाई इसी में है कि इनसे माफी मांग कर इन्हें इनका बैल वापस कर दूं। मुझसे गलती हो गई भाई, मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ, मुझे माफ कर दो, लो अपना बैल वापस ले लो। रमेश अपना बैल वापस पाकर खुश हो जाता है। रमेश भाई मुझे भी माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि कोई इंसान किसी जानवर से इतना प्यार भी कर सकता है, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा।